हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 1:45 और व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्चुअली मैं काम करने लगी थी अपना ऑफिस का सुबह से, तो थोड़ा ज़्यादा काम था, तो अभी मैं लंच करने आई हूँ और अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सृष्टि को बोला था वैसे व्लॉग स्टार्ट कर देना, बट शायद वो कुछ काम वाम कर रही है, क्लासेस ले रही है। वैसे स्कूल्स तो खुल चुके हैं बट अभी वो ऑनलाइन कर रही है एंड प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक से स्कूल जाएगी। और शाम को आज हमें जाना भी है, जो आपने देख लिया होगा पिछले व्लॉग में कहाँ जाना है। तो अभी तो फिलहाल हम करेंगे लंच और पीरू भी आ गई है। आज ना मैं नहा के ना मैंने कोम नहीं किया और मैंने ड्रायर भी नहीं लगाया बाल में, क्योंकि मुझे लग रहा था ना ड्रायर लगाने से ना बाल बहुत मतलब ना ऐसे टूटे टूटे से हो रहे हैं और क्या कहते हैं वीक हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ड्रायर लगाना छोड़ दिया। वैसे मैं कोल्ड ड्राई मारती थी, नहीं ज़्यादा मुझे आदत है, वो हीट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए बालों को, तो आज तो नहीं लगाया, तो अभी प्रॉब्ली सूख जाएंगे। शाम तक थोड़े अच्छे हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने इसको बोला था फायर स्टिक का क्या हुआ बिबू? आएगी रिप्लेसमेंट यूनिट, उठा के ले जाएंगे वो। तो फिर तुमने मुझसे दोबारा पेमेंट क्यों करवाई? उन्होंने बोला था अभी पहले ऑर्डर करो फिर फंड आ जाएगा उसका। तो अभी मेरा लंच तो आ चुका है, तो अभी लंच खा रही हूँ मैं। और तानी लक्की आया है? हाँ लक्की आया है, ले आया चाची की साड़ी। हाँ ले आए, पर हम मजाक करेंगे, हम मिले प्रैंक करना चाची को आज। क्या बोल रही थी, गाना कहाँ पे आया है? मैं इंस्टाग्राम चला रही थी तो मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने ऐसे दो तीन लोगों ने मतलब मेंशन कर रखा था स्टोरी पे, उसमें ना टीवी पे आ रहा था हमारा गाना। कौन चैनल पे? D4U। तो आज लंच में बनी है दाल मखनी, तो पीरू ने पहले खाई थी, मैं तो अभी खाना शुरू कर रही हूँ। तो ये बोल रही अच्छी हो रही है, मस्त हो रही है ना, अलग सी बाहर जैसी हो रही है। मुझे लगा बाहर का खाना लाया ना आज हम घर पे, और मैं तो खा रही हूँ छोटी सी कढ़ाई में। लोग भी कुछ भी बोलते हैं, उनको पता नहीं है, इंडियन लोग हाथ से ही खाते हैं खाना भी। जी मुझे तो हाथ से खाना अच्छा लगता है, पहले मेरी भी आदत नहीं थी हाथ से खाने की, मतलब शायद पूरे स्कूल में तो मैं हाथ से कभी भी नहीं खाया होगा, मैंने चम्मच से खाया। और फिर मेरी आदत हाथ से खाने की बन गई, और हाथ से खाते ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है ना। पहले मैं आदत का थी बचपन में, हाथ से खाते हैं तो ज़्यादा खाना खाया जाता है। बिब्बू नहीं खाता, बिब्बू खाता है चम्मच से। हाथ से खाने में कोई बुराई नहीं है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने कमेंट किया था जिसने भी किया था। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ एज यूजुअल, मैं सबसे जल्दी रेडी हो जाती हूँ, पर पीरू है जो सबसे टाइम लगाती है, तो अभी भी रेडी हो रही है और बस अब हम निकलेंगे। थोड़ा सा तो लेट हो ही गए, वो तो हमेशा का है, कहीं भी जाना तो लेट होना ही है। और मैं खुद तैयार हुई हूँ, पीरू ने आज किसी को तैयार नहीं किया, पीरू को गुस्सा मच गया, पता नहीं ना सृष्टि को तैयार किया है ना सृष्टि। सृष्टि आए, मेरे को तो मम्मी ने किया है। तुम रेडी? आर यू रेडी? यस। सारा फंक्शन तुम लेट कराते, सारा तो तैयार होने में टाइम वेस्ट करते हो। मैं थोड़ी ना चला रही हूँ। तुम इतनी लंबी कैसे लग रही है यार? हाउ दो ईंटे लगाई है इसने अपने पैरों के नीचे, ये देखो दो ईंटे लगी हुई है पैरों के नीचे। हो गए सब तैयार, चले। तो फाइनली अब हम रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं, चलो 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 चलो। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो अभी तो आया था तुम मिलने। बट तुम्हारा तब चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था, अब हो गया ना। टिप ऑफ एडवाइस देने आया था तब। तब एक्चुअली हमारा चैनल ही स्टार्ट हुआ था और हम ये बात कर रहे थे कि हम चैनल स्टार्ट करेंगे, तो फाइनली हम चैनल दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते हैं। मैं जब भी
मेरे पापा की तरफ से नहीं, पापा मेरे मम्मी की तरफ से। तो फाइनली हमें पिज्जा भी दिख गया पर मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है, तो जल्दी से ले लेते और आपको भी पिज्जा चाहिए ना। खत्म होने में मुझे मिलेगा, पकड़ी गई मोनी। अच्छा मिल गया आप खुश, आप क्या करें कि मैं चढ़ाना पड़ेगा लाली। वैसे तो हम निकलने वाले थे पर चाची को आइसक्रीम खाने का मन कर गया, मुझे नहीं किया चाची को किया है। अभी तो चाचा को भी जल्दी हो रही थी, अभी तो जल्दी हो रही थी। अभी बोल रही थी चलो 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 फिर से खाने के लिए बैठेंगे। चले चलो और क्या, दो प्लेट हो गए। तो फाइनली हम निकल गए, बहुत मजा आया सबसे मिल गया। पीछे तो अभी भी ढोल ढमो बज रहे हैं बिकॉज डीजे दिल्ली में बंद हो जाता है 10 बजे के अराउंड। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो वही था क्योंकि आप पहाड़ी पे कोई भी फंक्शन में जाओ तो वहाँ पे ढोल ढमो तो जरूर होता है, तो काफी अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, पता चलता है कि पहाड़ी शादी में आया है। तो अब आई गेस 12 बजने वाले हैं और अब हम घर जा रहे हैं, तो सीधा घर पर मिलते हैं। ट्रैफिक आज मिलेगा बिकॉज काफी सारी शादियाँ हैं दिल्ली में। तो हम घर तो आ चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया सबसे मिलके, क्योंकि ऑलमोस्ट दो साल बाद गए हैं बाहर। हाँ क्योंकि सब आपको ही बताया कि लॉकडाउन वगैरह था तो कोई शादी वगैरह में जाना भी नहीं हो पा रहा था, तो किसी से मिलना भी नहीं हो पा रहा था। तो काफ़ी टाइम बाद बाहर निकल के काफ़ी अच्छा सा फील हुआ। सारे रिलेटिव, हमारे भैया की शादी थी वो हम बताना भूल गए, तो शादी उनकी अलवर में हुई थी और तब हम जा नहीं पाए थे बिकॉज मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, थोड़े बिजी भी थे। अपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मतलब पहाड़ी वाइब्स कैसी होती है किसी भी, क्योंकि जो साउंड होता है ना वो मतलब थोड़ा अलग सा होता है। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो सृष्टि अभी ऊपर है और थक गई है, मैं भी थक गई हूँ, हम भी थक गए हैं, तो अब सोएंगे चेंज वेंज करके। इसने तो कर लिया, मैं अभी करूँगी।
तो बस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।